वेजिटेबल गार्डनर भी बना सकते हैं, मोर ओवर मशरूम भी ले सकते हैं, एपिकल्चर भी ले सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट भी होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन ही होगी। With us, Samoon sir, he will talk on Toycathon, what are the key guidelines, and especially for HOIs who have to lead innovations in schools. Discussing this Toycathon, fire sir, I would like to yes. The role of art and vocational education. Yes sir, that's the best part. Yes, yes. हम जब यहाँ पर reorganization हो गई, SCRT जब बनाया गया तो यहाँ पर जो विंगे हो गई तो उसमें एक विंग, इम्पॉर्टेंट विंग जो शामिल की गई वो आर्ट एंड वोकेशनल एजुकेशन बनाई गई। तो इसके ज़रिए से हमें बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिले। तो NEP 2020 का जो फोकस है, मेन फोकस, जो मेन थ्रस्ट है वो है रीइमेजिनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद मेन एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। दैट यू वांट टू से सर कि हम लिंकेज करना चाहते हैं जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम लिंक करना चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन के साथ। तो विजन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम इंडिया को 5 trillion इकॉनमी बनाना चाहते हैं ताकि इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। इस मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए ज़रूरी बात यह है कि हम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ थ्रस्ट दे सकें ताकि हमारे जो सबसे बड़े विजन्स हैं, हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, प्रोग्राम साहब ने अभी ये मतलब वजाहत की पहले, तो इस प्रोग्राम को हम अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ रागिब करना होगा। तो इस सिलसिले में जो सर इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, असल में एक स्कूल लीडर का काम है पहले मेक इन इंडिया को समझना, आत्मनिर्भर भारत को समझना, तब जाके वो इन बच्चों को मेंटरिंग कर सके। ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर आपने जिक्र किया है कि प्रोवोकेशनल एजुकेशन, हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन 9th class से स्टार्ट है, 6th से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट है। सर उसके लिए आपने मतलब वी अप्रिशिएट यूर एफर्ट्स फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर। सबसे बड़ा जो हमारा ये है, इसमें हमारे HIOs का रोल है कि हम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ राबित कर सकें। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऐसे वर्कशॉप्स किए जिसके ज़रिए से हमने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डाइट्स के ज़रिए से एक रिसोर्स पूल खड़ा किया हुआ है, जिन्होंने बाद में हमारे प्रोग्राम्स को डिस्ट्रिक्ट में डाइट्स के ज़रिए जोनल लेवल तक किया। और हमारे इस वक्त जो फिगर्स हमारे पास हैं, जो ट्रेनड टीचर्स हमारे पास हैं, वोकेशनल ट्रेनड टीचर्स आर्ट एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन में, वो ऑलमोस्ट इनकी तादाद 800+ है। सर दैट्स अ अचीवमेंट फॉर, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम कॉम्प्लेक्स हेड्स को, तमाम स्कूल हेड्स को, कि वो इन जो टीचर्स ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जिन लोगों ने सर ने एक कैस्कोड मोड में ट्रेंड किया टीचर्स को, उनकी हेल्प ले ले इस Toycathon को एक सक्सेसफुल इवेंट बिल्कुल बनाने। ये जो हमने ऑलरेडी इनको ट्रेंड किया हुआ है इन टीचर्स को, जैसे फयाज साहब ने कहा को जो Toycathon आज चल रहा है इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ, उन्हीं टीचर्स का आज ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, रोल बनता है वो इस Toycathon को जो है एक सक्सेसफुल ये बनाए। जिस तरह से हम जो हमारा आर्ट फेयर रहा था, टॉय फेयर, नेशनल टॉय फेयर 2021, उसमें हमारे जो टॉयज नेशनल डैश बोर्ड के लिए गए थे वो 21 में से 19 हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन कोविड की वजह से बदकिस्मती से हमारा जो ये वहाँ पर स्टॉल नहीं लगा दिल्ली में। लेकिन अब की बार जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं परेशन सिंह मन्हास सर, उन्होंने कहा है कि किस तरह से हम इन बच्चों को यूटी लेवल के बाद नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपकी एफर्ट्स के वी अप्रिशिएट दैट, सही कोलैबोरेशन के बारे में, ये कोलैबोरेशन की बात जब आ रही है तो कोलैबोरेशन में हमने अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको कोलैबोरेट किया स्किल डेवलपमेंट ऑफ JNK और ITIs के साथ। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर किए जिसके ज़रिए से हमारा जो लोकल ट्रेड है यहाँ पर, हैंड एम्ब्रॉयडरी का, पेपर माशी का, वुड कार्विंग का,
जो डाइंग हमारे यहाँ पर हैं, रुझान हमारे नौजवानों का वहाँ की तरफ नहीं है, उसको एक रिवाइवल देने के लिए, उसको एक नई जहद देने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का थीम है आज की जो टॉय कैथन जो एससीईआरटी डायरेक्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया है टॉय कैथन को, उसमें एक पहला ही थीम है कि हमारा रीजनल कल्चरल और हेरिटेज उस पर हमारे बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज बना सकते हैं। यस सर, फया सर मैं यहाँ पर एक खुशाइन बात आपको कहूँगा कि हमने इन प्रोग्रामर्स के जरिए तकरीबन 200-300 के करीब टीचर्स को ट्रेन किया, जिन्होंने पेपर माशी स्किल्स सीखे, जिन्होंने इस तरह से वुड कार्विंग की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और हैंड एम्ब्रॉयडरी की तरफ उनने ये किया। लेकिन टाइम चूँकि हमारे प्रोग्रामर्स का कम होता है, बार बार हमें फील्ड से यही मतलब ये आती है, रिक्वेस्ट आती हैं कि इन प्रोग्रामर्स को 3 दिन के बजाय आप 10 दिन का रखिए, रेजिडेंशियल रखिए, ताकि हम इसमें पूरी ये कर सकें। लेकिन एक सर आपके एग्जांपल्स हैं फील्ड में, लाइक हम एक जो वायरल है हमारे सोशल मीडियाज पे, रियाज साहब हैं कुलगाम से, जी सर साहब है, जिन लोगों ने आपकी जब आपने उनको कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ दी, ट्रेनिंग दी, तब जाके दे आर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक टॉयज। सर जो थीम्स की बात हम कर रहे हैं सर, इसमें 2 अहम थीम्स है आउट ऑफ दीज 9 थीम्स। एक है जो हमारे आजकल G20 का एक हर इंडिया हैज अटेंड प्रेसिडेंसी इन G20, उसमें एक एनवायरनमेंट का बड़ा कंसर्न है। यस सर, सर मैं आपसे चाहता हूं कि बच्चों को आप कैसे हम गाइड करें ताकि वो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और अच्छे इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स विच हैज़ सम सोशल ह्यूमन वैल्यूज विच इज़ ऑक्यूपेशन बेस्ड, सर वो कैसे गाइड करेंगे? तो जिस तरह से आपने कहा सर, क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो रिसाइकल मटेरियल है इंडिया है, इंडिया में है बड़ा हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि तकरीबन बहुत सारी जगहों पर इसके डंप्स लगे होते हैं, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि बच्चों को हम उन्हीं चीज़ों से जो रॉ मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है, टॉयज बनाना सिखाए, उससे एक हमारा एक बहुत बड़ा मकसद जो स्वच्छ भारत का मकसद है वो पूरा हो सकता है। बच्चे सफाई की तरफ जा सकते हैं, उसको प्रॉपर डंपिंग कर सकते हैं, हम स्कूल्स में भी एक ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ हम अपने सोसाइटी में हमारे जो वहाँ पर म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं या हमारे पंचायती एरियाज़ हैं, वो भी इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। बच्चों को हम ट्रेन जब करेंगे कि हाँ वो किस तरह से इन को प्रॉपर डंपिंग करें, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट ही होगा ना, ये इतना ही नहीं बल्कि वो इन जो मटेरियल पड़ा हुआ है इससे वो लो कास्ट नो कास्ट जो टॉयज है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ से हमारा एनवायरनमेंट भी ये हो सकता है और दूसरी सबसे जॉयफुल वो बच्चा भी है। हमारे HOIs को काफ़ी बेनिफिट है, एज वी हैव टू थिंक होलिस्टिक। यस बात करें, हमारा कल्चर जो है वो यूनिक है, इंडियन कल्चर ये डाइवर्स कल्चर है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है यहाँ पर। यहाँ पर हर कौम, हर मजहब, हर इसके लोग रहते हैं। तो कल्चरली अगर हम अपने रीजन की बात करें, ये बहुत जो है रिच कल्चर हमारा है। इवन ये कहा जाता है जब हम यहाँ की संस्कृति की बात करें J&K की, तो कल्हना की जो राज तरंगनी है उसमें भी इसका ये कहा गया है। इवन जो कश्मीरी लैंग्वेज है या हमारी जो बाकी लैंग्वेज हैं यहाँ की, तो इसका एक बहुत उर्दू हिंदी डोगरी है, पंजाबी है, या इसका एक बहुत मतलब किरदार रहा है हमारे इसमें जो कल्चरल इतिहास में, ये है कि हम वैल्यूज दे सकते हैं बच्चों yes, को yes, जो थीम भी है एक है, ये मतलब सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, सोशल एंड ह्यूमन इन टॉयज के जरिए से हम बच्चों को सोशल वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, हेरिटेज के बारे में, जैसे हमारे सिंबल है सर टूरिज्म की शिकारा, यस यस, या सर हमारी कांगड़ी है, कांगड़ी बिल्कुल, उसमें हम एनवायरनमेंट का भी ये ले सकते हैं। इवन साथ साथ हमारा कल्चर लोटस है हमारा, या यस लोटस है, तो इसी तरह से हम बच्चों को वैल्यूज भी दे सकते हैं। सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि जब वो टीचर को देखेगा, अगर हम सपोज बस में ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग लेडी वहाँ पर आई या लेडी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा खड़ा हो जाता है, उसको वो ऑफर करता है अपनी सीट बैठने के लिए। तो ये टॉय फॉर्म में, ये टॉय फॉर्म में आइडियाज को, इनोवेशन को टॉय फॉर्म। सर जाते जाते आप हमारे HOIs को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो दैट वी कैन मेक दिस इवेंट ए सक्सेसफुल इवेंट इन टर्म्स ऑफ pedagogy, in terms of making burden-free teaching learning atmosphere, जो हमारे national education policy repeatedly कहती है कि burden-free, yes, joyful through gaming. तो what is the message to all the school leaders across J&K or across India? Dr. Faya sir, तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो HOIs हैं main उन्हीं का role यहाँ पर बनता है। तो हम देखते हैं तभी वो
कामयाब हो सकता है ये प्रोग्राम जब हमारे फील्ड जो हमारे जितने भी 28,000 पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों को वो एक एनवायरनमेंट दे दें जिससे बच्चे इस प्रोग्राम के जरिए से आगे 5-10 साल के बाद वोकेशनल एजुकेशन की तरफ उनका रुझू हो और फिर उससे हमारा जो विजन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एट द एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द एचओआई जो बिलो मेंशनड लिंक है उसमें द कंसर्नड जो हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं ऑन आर्ट एंड वोकेशनल एजुकेशन दे कैन मेंटर योर स्टूडेंट्स दे कैन गाइड योर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग द बेस्ट क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स टॉयज विद इन दीज 9 थीम्स. So we hope that this event will definitely be a service to the nation as a whole.